हाई गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पपीते के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पपीता एक ऐसा फल होता है जो पूरे साल के अंदर कभी भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसके अंदर पोटाशियम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, प्रोटीन खूब होता है, विटामिन ए विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो फ्रेंड्स, इसको खाने से हमारे शरीर को कुछ नुकसान भी होते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं पपाया खाने से और कैसे ये हमारे शरीर के लिए हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक भी है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आगे भी मैं ब्यूटी एंड हेल्थ दोनों से रिलेटेड जानकारी आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। नंबर वन, पाचन तंत्र को मजबूत करता है पपीता। पपीता हमारे पेट की कई बीमारियों को ठीक करने में फ़ायदेमंद होता है। ज़्यादातर जंक फूड या फिर ऑयली फूड खाने से पाचन तंत्र कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे खाना अच्छे से पच नहीं पाता। पपीता हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही ढंग से चलाने में हेल्पफुल होता है। पपीते में फाइबर भरपूर होता है, जिससे पेट भरा रहता है। नंबर टू, पीरियड्स पेन को कम करने में भी पपाया हेल्पफुल होता है। कुछ महिलाओं को पीरियड्स में बहुत पेन फील होती है, लेकिन इस ड्यूरेशन में अगर पपीते का सेवन किया जाए तो पेन में रिलीफ मिलता है। नंबर थ्री, एजिंग इफ़ेक्ट को कम करता है पपीता। जो लोग डेली पपाया खाते हैं, उनकी स्किन पर एजिंग इफ़ेक्ट दिखाई नहीं देता और वह अपनी एज से 5 साल छोटा दिखते हैं। पपाया में बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाने में और त्वचा पर चमक लाने में बहुत ही कारगर होते हैं। नंबर फोर, पपीता दांतों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, पपाया में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो दांतों के रोग दूर करने में भी हेल्पफुल होती है। खासकर जिन लोगों के दांतों से खून आता है, उन्हें पपीता ज़रूर खाना चाहिए, इससे यह समस्या दूर हो जाएगी। नंबर फाइव, आईसाइट को तेज करता है पपाया। फ्रेंड्स, पपाया में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, जिससे रतौंधी नामक रोग भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, पपाया खाने के हेल्थ बेनिफिट्स तो आपने जान लिए, लेकिन पपाया ज़्यादा खाने से क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। नंबर वन, प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो पपाया बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पपीते में लेटेक्स की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर टू, ज़्यादा मात्रा में पपीता खाने से डायरिया की समस्या हो सकती है, क्योंकि पपीते में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हमारा पेट खराब होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर थ्री, ज़्यादा पपीता खाने से हार्ट बीट कम होती है और हार्ट प्रॉब्लम इससे बढ़ जाती है। नंबर फोर, विटामिन सी से भरपूर होता है पपीता, इसलिए ज़्यादा खाने से पथरी के चांस भी बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए पपीते का सेवन ज़रूर करें, लेकिन लिमिट में करें, जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें कमेंट जरूर करें, आपके किए हुए कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। पसंद आने पर मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।